हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास होगा साइंस का चैप्टर 16, और इस वीडियो लेसन में हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे क्वेश्चन आंसर। ये अपना होगा शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है यहाँ पे कहता है, नेम द थ्री फॉर्म्स इन विच वाटर एग्जिस्ट ऑन दी अर्थ। अर्थ के सरफेस पे वाटर हमारे अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये हमारे कौन कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं, हमको इसका नाम यहाँ पे बताना है। तो हम आंसर लिखेंगे वाटर, आइस एंड वाटर वेपर। ये थ्री फॉर्म से हमारा वाटर पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है, गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म वाटर टेबल। वाटर टेबल का क्या मतलब है, इसका हमको बता देना है। आंसर हम यहाँ पे नोट करेंगे, टॉप लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर का टॉप लेवल होता है ना, वो हमारा वाटर टेबल कहलाता है। तो टॉप लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है हम लोगों से, नेम टू मेथड्स ऑफ ड्रॉइंग आउट ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, जो हमारे ग्राउंड में अवेलेबल है उसको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, कंस्ट्रक्टिंग वेल, हम लोग वेल बनाएंगे या फिर ट्यूबवेल बना सकते हैं, और उसके हेल्प से जो ग्राउंड में वाटर है उसको हम अवेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन होता है हमारे पास फोर्थ नंबर, नेम टू एक्टिविटीज विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सीवेज। देखिए कौन से एक्टिविटीज हैं जिसके वजह से हमारा सीवेज यहाँ पे बन रहा होता है, तो बड़ा आसानी से हम आंसर कर सकेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो टू एक्टिविटीज है, इस पर आप कुछ और भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है टू एक्टिविटीज विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सीवेज आर। फर्स्ट हमारा आता है डोमेस्टिक एक्टिविटीज सच एज वॉशिंग क्लोथेस, बाथिंग, क्लीनिंग, ये सब आ रहा है। और दूसरा है ऐसे ऑफिस है ना, वाटर प्रोड्यूस्ड इन ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज। ये हमारे टू एक्टिविटीज नोट करने थे, हमने यहाँ पे टू एक्टिविटीज नोट किया है। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा वो शॉर्ट आंसर टाइप में, यहाँ पे कहा गया हम लोगों से, स्टेट एनी टू प्रिकॉशंस दैट कैन हेल्प टू अवॉइड चोकिंग ऑफ द ड्रेन। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या सावधानियाँ रख सकते हैं जिससे हमारा ड्रेन जो है वो चोक ना करे, तो इसके पीछे हमारा आंसर यहाँ पे होगा, हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे नोट कर सकते हैं, डू नॉट थ्रो सॉलिड्स लाइक लेफ्ट ओवर फूड, लीव्स, कॉटन, पॉलीथीन, बैग्स एट्सेट्रा इन द ड्रेन। हमको ये सब चीज़ें ड्रेन्स में नहीं डालने हैं। दूसरा जो हम यहाँ पे पॉइंट नोट करेंगे उसमें हम नोट कर सकते हैं, रिड्यूस दी क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर प्रोड्यूस्ड इन आवर होम्स। घर में जो हमारा वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्वांटिटी को हम लोग कम कर सकते हैं। और लास्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब आइए हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट जो कहता है हाउ इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो कैसे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है पॉपुलेशन का ग्रोथ, जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है वो वाटर के शॉर्टेज का होने का क्या कारण बन रहा है। हम यहाँ पे कैसे आंसर कर सकते हैं, हम लोग लिखेंगे, विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिमांड ऑफ वाटर हैज़ इंक्रीज्ड वेयर एज इट्स रिसोर्सेस हैव डिप्लीटेड। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज किया वैसे वैसे उसका जो वाटर है उसका डिमांड भी बढ़ गया, बट उसके जो रिसोर्सेस है ना वो उसका उस संख्या में इंक्रीज नहीं हुआ बल्कि वो डिक्रीज हुआ। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मोस्ट रीजन हैज़ डिक्रीज ड्यू टू डिफोरेस्टेशन। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे रेनफॉल की मात्रा भी कम हो गई है। क्यों कम हुई है, ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। बहुत सारे इंडस्ट्रीज बढ़ गई है, व्हीकल्स की संख्या बढ़ गई है, इसके वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और पॉल्यूशन बढ़ने से हमारा रेनफॉल कम हो गया है। फार्मर्स डिपेंड मोर ऑन ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन। फार्मर्स ज़्यादातर ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करते हैं अपने इरीगेशन, अपने फील्ड को इरीगेट करने के लिए, क्योंकि रेनफॉल हो नहीं रहा है प्रॉपर क्वांटिटी में। ओके, दिस कॉजेज अ शॉर्टेज और स्कारसिटी ऑफ वाटर। और इस तरह से जो वाटर है उसकी स्कारसिटी हो जा रही है हमारे आसपास। क्लियर, ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है, डिस्कस इन ब्रीफ हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी डन। हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड इन ओपन टैंक। जो रेन वाटर है उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं है ना, ओपन टैंक में, एंड यूज फॉर डेली नीड्स
इट कैन आल्सो बी कलेक्टेड इन अंडरग्राउंड टैंक्स, जो रेन वाटर है उसको हम अंडरग्राउंड टैंक में भी कलेक्ट कर सकते हैं, एंड अलाउड इट टू सीप थ्रू द सॉयल, और मिट्टी में वो आने ग्राउंड में वो धीरे धीरे वो सीप करके निकल जाए, इससे क्या होगा ग्राउंड वाटर का लेवल हमारा बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और ये हमारा जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, और यहाँ पे कहता है डिस्कस एनी टू कॉजेज दैट लीड टू अ डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल, हम क्या क्या दो कारण दे सकते हैं। फार्मर्स डिपेंड मोर ऑन ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन, जो फार्मर्स हैं वो इरीगेशन के लिए कहाँ पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर पे। दूसरा लिख सकते हैं डिफोरेस्टेशन इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हीकल एंड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, व्हीकल्स का नंबर भी बढ़ रहा है, इससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और इसके वजह से जो रेनफॉल है वो कम हो रहा है, रेनफॉल कम होने से जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो हमारा नीचे जा रहा है। अगर प्रॉपर वे में रेनफॉल होगा तो ग्राउंड वाटर हमारा लेवल नीचे नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से रेनफॉल कम हो गया और ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है। दूसरा ग्राउंड वाटर नीचे जाने का मतलब दूसरा कारण क्या है, फार्मर्स जो है ग्राउंड वाटर को ही यूज़ करते हैं इरीगेशन के लिए। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे कुछ कारण था। कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन बेटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ओके हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, तो हम इसका आंसर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बेटर मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो बेटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज कैन हेल्प इन कंजर्विंग वाटर। द रेन वाटर शुड नॉट बी अलाउडेड टू फ्लो इन टू ड्रेन्स, जो रेन वाटर है उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको हम कलेक्ट करके रख लें ओके, और उसको हम ड्रेन्स में ना फ्लो करने दें, ये हमारा पहला प्रयास हो सकता है। दूसरा हम कर सकते हैं यूज ऑफ स्प्रिंकलर्स, जो फार्मर्स होते हैं अपने फील्ड को इरीगेट करने के लिए, इरीगेशन के लिए स्प्रिंकलर्स का यूज़ करें ठीक है, एंड ड्रिप इरीगेशन टेक्निक को लाए। ड्रिप इरीगेशन टेक्निक मतलब बूंद बूंद करके पौधे के पास ही पाइप के थ्रू जाता है, पाइप के थ्रू वाटर जाएगा और पौधे के जड़ के पास बूंद बूंद करके वो उसका इरीगेशन होगा, इससे क्या होगा वाटर हमारा सेव होगा। फॉर इरीगेटिंग द क्रॉप्स कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ वाटर, तो ये कुछ यहाँ पे मेथड हैं जिससे हम यानी कि वाटर को किस तरह से मैनेज करें ताकि हमारा उसका जो कंजर्वेशन है वाटर का वो हो सकता है। ओके, ये हमने देखा। अगला लास्ट हमारे पास होगा, राइट इन ब्रीफ अबाउट द बेसिक डिटेल्स एंड द रोल ऑफ द सीवरेज सिस्टम, तो आइए हम इसका आंसर यहाँ पे कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जस्ट एज अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स ब्रिंग्स क्लीन वाटर एट आवर होम, जैसे जो क्लीन वाटर है वो हमारे घर तक पहुँचता है, उसके लिए नेटवर्क बना हुआ है पाइप्स का सिटीज में, आपको पता है। अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स टेक्स द वेस्ट वाटर और सीवेज अवे, उसी तरह से जो सीवेज है उसको भी दूसरे जगह लेके जाया जाता है नेटवर्क बना हुआ है पाइप्स का। दिस नेटवर्क ऑफ पाइप्स इज कॉल्ड द सीवरेज सिस्टम, और ये क्या कहलाता है सीवरेज सिस्टम कहलाता है। इट कैरीज द वेस्ट सीवेज फ्रॉम इट्स सोर्स ओके, सीवेज को कहाँ से उसके सोर्स से, टू द वेस्ट वाटर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीट किया जाता है उस प्लांट तक हम लोग उसको लेके जाते हैं उस तरह के वाटर को। द वेस्ट वाटर इज क्लीन, वहाँ पर क्या होता है वेस्ट वाटर को क्लीन किया जाता है एंड प्यूरिफाइड बाई वेरियस प्रोसेसेस एट दिस ट्रीटमेंट प्लांट्स, वहाँ पर जो सीवरेज वाटर है उसको क्या करते हैं हम लोग प्यूरिफाई कर रहे होते हैं, ट्रीट कर रहे होते हैं, उसमें जो केमिकल्स है उसको हटा रहे होते हैं। द वाटर दस ट्रीटेड एंड क्लीन इज देन अलाउडेड टू मिक्स विद रिवर और सी वाटर, देखिए ये जो हमारा सीवेज है ना उसको डायरेक्ट हम लोग रिवर में या फिर सी में नहीं भेजना चाहिए हम लोगों को, पहले उसको ट्रीट करना चाहिए, ट्रीट करके आने कुछ उसको जो केमिकल्स है उसको हटाना है, उसके बाद ही उसको रिवर में या फिर सी में अलाउ करना है जाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्लोरियस डे अहेड, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।